हेलो गाइस, जो आज का ब्लॉग होने वाला है, हम खाटू नगरी जा रहे हैं और खाटू में हम कौन कौन जा रहे हैं आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। ये कोमल भाई है और पीछे आप देख रहे हो महेश भाई है जो पीछे बैठे हैं, और इधर मोहित जी बैठे जो अपने साथ में सावरिया सेठ गए थे, और इधर जीतू जी बैठे हुए जो अपने साथ में फर्स्ट बार जा रहे हैं। तो हम आज का जो ब्लॉग होने वाला है पूरा बस हम नाइट में जा रहे हैं, और मिलते हैं आप सुबह मॉर्निंग में। अब तक के लिए टूर में बाय बाय। तो भाइयों, मैं पहुंच गया हूं खाटू नगरी। आप यहां पे देख रहे हो पीछे पार्किंग है मेरे यहां पे गाड़ी की, और मैं अपने देख रहा हूं पीछे जो कितनी सारी गाड़ियां यहां पे, बहुत पब्लिक है यार। वो मैं भी यहां पे पहली बार ही आया हूं, देखो आप। अरे ये मैं करमा जो की पैदल पैदल यात्रा आते हैं यहाँ पे, तो काफी दूर दूर से आते हैं लोग, और मौसम भी की जगह कितना मस्त हो रहा है। अभी सुबह सुबह से नाई जी और मॉर्निंग हुई है, तो ये मेन रोड है यहाँ का, और हम यहाँ से होटल में जा रहे हैं और होटल में रूम लेंगे। अच्छा ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला झंडा है भाई, बड़ा वाला झंडा 100 रुपए का दिया है, और ये छोटा वाला झंडा है जो कि आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये 50 रुपए का दिया है। जिनसे ले रहे हैं वो भाई ये है, आप देख सकते हो। मैं भी छोटा ले लेता हूँ। पता हो चुके हैं और ये लाइनों में चल रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी पब्लिक चल रही है। यहाँ के आनंद के बारे में आपको बताते हैं यार, कि मजे आ रहे हैं घूमने में, और यहाँ पर घूम कम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, की नगरी में बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। महेश भाई, आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है जरा वीडियो में बताएंगे आप? महेश भाई बोल रहे हैं कि सुकून मिला है मुझे यहाँ पर, सुकून मिल रहा है इनको। और कोमल भाई आपको कैसा लग रहा है? अरे मुझे तो जन्नत मिल गई आज, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कोमल भाई बोल रहे हैं कि मुझे तो जन्नत मिल गई आज, काफी मजा है, मतलब इतना आनंद मिल रहा है यार यहाँ पे, बहुत मस्त है। काफी मस्त है, और काफी पब्लिक है यार, बहुत पब्लिक है, और बहुत मजा आ रहा है, मतलब पूरे गांव की परिक्रमा लगा दी, और अभी भी बाकी है करीबन 1-1.5 किलोमीटर की। अब यहाँ से डायरेक्ट निकलना चालू कर दिया है क्योंकि काफी लंबा है, तो घूम घूम के थक जाएगी क्योंकि इतना चद्दर है और काफी दूर है। कितने चल गए होंगे? करीबन 3 किलोमीटर का समथिंग तो चल गए हैं, और ये एकादशी की तैयारी है। आप देखो तो पीछे सब जो बना हुआ है एकादशी के लिए बना हुआ है, और इसमें हम भी चले हैं फागुन के मेले के लिए। होली का मेला आ रहा है ना, उसके लिए तैयारी चल रही है, तो बट आगे चल ही रहे हैं। आप देखो तो आगे जय श्री श्याम। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरी जय जयकार। आपको दिखाते हैं श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जो भीड़ लगी हुई है, देख सकते हो आपकी काफी जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, पीछे तक है एंड तक बहुत पब्लिक है, मतलब इतनी बड़ी लाइनें हो चुकी है कि जबरदस्त लाइनें हो चुकी है। और दिखाते हैं आपको सामने वाला की देखिए, आप बहुत बड़ी लाइन है, और श्याम बाबा के दर्शन के लिए बहुत सारे भक्त लग रहे हैं। ना 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 ना, तो बहुत सारे लाइन लग रही है।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं बहुत ही करीब, और हमें करीबन खड़े हुए हो गए चार साढ़े चार घंटे तो हो ही गए यार, 9 बजे से खड़े चार पाँच घंटे हो गए, और अभी 1:30 बज चुके हैं, और अभी भी करीबन 2 घंटे और खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबी भीड़ है, और भीड़ भी है आज थोड़ी ज़्यादा इस वजह से। और तो आप देख रहे हो यार कि खड़े होने के बाद भी स्थिति किस हो जाती है, मतलब 9 बजे से खड़े हैं तो आप फाइनली दोस्तों हम आ गए रेलिंग के अंदर, और आप रेलिंग के अंदर देख सकते हो हमें कि रेलिंग के अंदर आने के बाद भी अभी करीबन टाइम लग ही जाएगा, फिर भी मतलब 2 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा इसके अंदर। फिर आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे बहुत अच्छा, बाबा के दर्शन भाई, बाबा के दर्शन मुझे बड़ी जल्दी है हमें, और बाबा के दर्शन तो भाई के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, पहुँच ही गए, बस अभी थोड़ी देर में आपको दर्शन करवा ही देते हैं। अगर कोशिश करूंगा मैं वहाँ पर कैमरा चलाने की, लाव तो नहीं है, बट भाई जहाँ रेलिंग के अंदर से हम एंटर हुए थे वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों अब जाके थोड़ा सा आराम आया, और अब जाके सुकून मिला है क्योंकि ऊपर जो पंखा दे रहे हो, पंखा क्या है बहुत ही खतरनाक है, आपको पंखा देखिए आप बहुत ही जबरदस्त है, पंखा इतना बड़ा है कि देखो आप हवा कैसे नहीं आएगी, और पंखा बहुत जबरदस्त है, देखो मजा आ रहा है हवा का, और ऊपर से सैनिटाइजर भी चल रहा है ना, देख सकते हो आप मस्त है, आप जाके सुकून मिला है बाबा श्याम के, जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सुकून मतलब एनर्जी आती जा रही है। ये मंदिर और ये देख सकते हो, ये मंदिर है, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, अंदर कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो ये अंदर का है मंदिर, अभी वहाँ दर्शन करेंगे। और तो फाइनली हम आ चुके हैं दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए आप बस ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से और दर्शन करेंगे, इधर आप देखो काफ़ी मस्त है यार, और नाइट में आ गए तो ये मान लो आप मज़ा आ जाएगा क्योंकि नाइट में यहाँ की जो लाइटिंग है ना काफ़ी ज़बरदस्त है, और इधर देखो हम आ गए हैं रेड पे, बस कनाल पर हैं, ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके आपको दर्शन करवाएंगे, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दर्शन गाइज हमने दर्शन कर लिए हैं, और हम फ्री हो गए, बाहर आ गए हैं, और मोहित भाई भी हमें मिल गए हैं जो कि काफ़ी देर से हमारे साथ नहीं थे, इनके बिना मन भी नहीं लग रहा था यार, इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो मोहित भाई आपके पैरों की क्या स्थिति है? पैरों की कंडीशन खराब है और भयंकर भूख लग रही है, अब जाके खाना खाएंगे बस, इनको भूख लग रही है अब खाना खाएंगे, और जीतू भाई भी बोल रहे हैं कि खाना खाएंगे, महेश भाई और कोमल भाई का वेट कर रहे हैं वो और आज